हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल लेसन। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास सेवेंथ साइंस का चैप्टर 15 लाइट। तो लाइट के बारे में हम लोग ऑलमोस्ट चैप्टर कवर कर चुके हैं, सिर्फ आखिरी जो टॉपिक है, लास्ट का जो टॉपिक है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सनलाइट, वाइट और कलर। जो सनलाइट होता है, जो सन से जो रोशनी आती है अर्थ में, वो रोशनी वाइट होता है या फिर कलर्ड होता है, वही हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग ने सबने रेनबो तो देखा ही होगा। रेनबो जो स्काई में आते हैं बारिश होने के बाद, जब जो सन का जो सनलाइट होता है वो काफ़ी ज़्यादा लो होता है, उस टाइम पे हमें स्काई में जो है रेनबो दिखती है। तो ये जो रेनबो है, द रेनबो इज़ सीन एज ए लार्ज आर्क इन द स्काई विथ मैनी कलर। तो ये जो रेनबो होते हैं, ये देखिए रेनबो जो है बहुत बड़ा स्काई का जो एरिया है, बहुत बड़ा इस तरीके से फैली हुई होती है, इस तरीके से बहुत बड़ा एरिया में ऐसे फैली हुई होती है रेनबो स्काई में। तो वो जो रेनबो है, रेनबो में काफ़ी सारा कलर्स होता है। तो रेनबो में बेसिकली 7 कलर्स होते हैं। क्या क्या कलर्स है उनमें, और जो कलर्स है ना, 7 जो कलर्स है, उन कलर्स को ना आप अच्छे से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, मतलब 7 कलर्स उतना ज़्यादा क्लियर नहीं होते हैं। तो कलर जो है वो है रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। तो ये जो सारा, ये सारा कलर्स रेनबो में होते हैं, लेकिन सारा का सारा कलर जो है वो हम लोग अच्छे से नहीं देख पाते हैं, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं सारा कलर्स। तो ये देखिए, ये एक प्रिज्म है। जब आप लोग प्रिज्म को, ये जो है ना ट्रायंगुलर शेप, इसे प्रिज्म कहा जाता है। अगर आप लोग प्रिज्म को सनलाइट में पकड़ेंगे तो प्रिज्म से ना इस तरीके की कलरफुल रेनबो जो है वो आते हैं। इसका मतलब होता है कि जो सन है, सन में बहुत सारा कलर होता है, लेकिन हमें सिर्फ वाइट ही दिखते हैं। अगर आप प्रिज्म यूज़ करेंगे तो सन का सारा कलर जो है वो दिखने लग जाएगा। तो आप लोग जब नहाते हैं या फिर साबुन जब यूज़ करते हैं, तो आप लोग ने तो बबल्स निकालना देखा ही होगा। आप लोग अगर अच्छे से बबल्स को, इस तरीके का जो बबल्स निकालते हैं, अच्छे से अगर नोटिस करेंगे तो देखेंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा कलरफुल होता है। या फिर जो सीडी का डिस्क नहीं होता, इस तरीके का जो सीडी का डिस्क होता है, जब हम लोग देखते हैं ऐसे तो वाइट दिखते हैं, लेकिन जब आप उसको घुमाएंगे तो घुमाने से आप देखेंगे कि सीडी का जो सरफेस है, सरफेस में बहुत सारा कलर आपको दिखने लगेगा। तो इन सारे एक्सपीरियंस की बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि सनलाइट में बहुत सारा कलर का मिक्सर होता है। तो उसे देखने के लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी करने के लिए आपको एक ग्लास का प्रिज्म लेना है। प्रिज्म इस तरीके का होता है, ये जो ट्रायंगुलर शेपेट है यही प्रिज्म है। इस तरीके का एक प्रिज्म लेना है, और आप जिस रूम में ये एक्टिविटी कर रहे हैं वो रूम पूरी तरीके से डार्क होना चाहिए। उस रूम में जो कुछ भी है, दरवाज़ा, खिड़की, सब कुछ आपको बंद कर देना है। सिर्फ एक छोटा सा होल रखना है जिस होल से सनलाइट आ रही होती है। तो उस होल में आपको क्या करना है, जो आपने प्रिज्म लिया था, प्रिज्म का वन साइड आपको सनलाइट की तरफ रखना है, और दूसरा साइड से आपको जो है सनलाइट का जो कलर है वो देखना है। और सनलाइट का जो कलर है वो आपको एक वाइट वॉल या फिर वाइट पेपर में गिराना है, वाइट पेपर का शीट या फिर वाइट वॉल में आपको सनलाइट का जो कलर है उसको आपको गिराना है। जब आप गिराएंगे तब आप देखेंगे कि जो रेनबो है, रेनबो की तरह बहुत सारे कलर्स, 7 कलर्स आपको वॉल या फिर जो आपने वाइट पेपर लिया है उसमें आपको दिखने लगेगा। तो इससे पता चलता है कि जो सनलाइट है उसमें 7 कलर्स होता है, और सनलाइट को हम लोग वाइट लाइट बोलते हैं, लेकिन जो सनलाइट है उसमें वाइट कलर दिखता है। देखिए हम लोग सनलाइट के जो लाइट है उसको हम लोग वाइट लाइट बोलते हैं। दिस मीन्स दैट द वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। इसका मतलब होता है जो वाइट लाइट है वो 7 कलर से बनता है। टू आइडेंटिफाई दिस कलर्स एंड राइट दियर नेम्स इन योर, तो ये जो कलर है, इन कलर को आपको आइडेंटिफाई करना है, आपकी नोटबुक में लिखना है, और ये जो 7 कलर्स है इसको मिक्स करके आपको देखना है कि वाइट बनते हैं कि नहीं बनते हैं। उसके बाद दूसरा एक्टिविटी,
तो एक्टिविटी 15.12 करने के लिए आपको चाहिए एक कार्डबोर्ड, एक सर्कुलर कार्डबोर्ड, मतलब एक राउंड वाला एक कार्डबोर्ड चाहिए जो 3 सेंटीमीटर की डायमीटर का हो। उस कार्डबोर्ड को आपको 7 सेक्शन में डिवाइड करना है इस तरीके से जो फिगर में दिया हुआ है। ऐसे करके आपको 7 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो रेनबो का कलर से सारा कलर्स इसमें पेंट करके आप रख सकते हैं। रेनबो कलर्स को सेगमेंट्स में पेंट करा सकते हैं या फिर आप कोई कलर पेपर को इन सेगमेंट में पेस्ट करा सकते हैं। उसके बाद आपको बीच में एक होल बनाना है, होल, और उस होल को एक जो बॉल पेन का रिफिल है उसमें लगाना है। होल ऐसा होना चाहिए कि जो आपने रिफिल लगाया है उसमें वो जो कार्डबोर्ड है वो अच्छे से रोटेट कर सके। उसके बाद आपको डे लाइट में, मतलब दिन में, उसको जो है रोटेट कराना है। जब आप रोटेट कराएंगे, फर्स्टली जब रोटेट कराएंगे उस रिफिल को, जब आप घुमाएंगे तो वो जो डिस्क है वो भी घूमने लगेगा और आप लोग देखेंगे कि जो डिस्क है वो वाइटिश दिखने लगा है। तो इस तरीके का जो डिस्क है उसको पॉपुलरली न्यूटन डिस्क कहा जाता है। ये जो आपने लिया था कार्डबोर्ड का डिस्क, इसमें 7 सेगमेंट था, इसे न्यूटन्स डिस्क कहा जाता है। तो पहली को एक ब्रिलियंट आइडिया आया कि उसने एक टॉप प्रिपेयर किया जिसमें सर्कुलर डिस्क बनाया और रेनबो कलर भर के उसको उसने रोटेट कराया पेंसिल में डाल के। तो उसने देखा कि जब वो फर्स्टली रोटेट होते हैं तो वो जो है वाइट कलर का दिखता है। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है कीवर्ड्स और समरी देखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।